हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी एंड उसके बाद लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहाँ से जो हमारा कंप्लीट लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से नीट 2015, 16, 17, 18, 19 और नीट 2020 फेज 1 और फेज 2 दोनों बार यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि कैसे एनसीईआरटी की लाइन को कॉपी और पेस्ट करके आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, खासकर 2020 वालों के अंदर। ओके, तो ये चीजें हम डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, हर चीज को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हमारा लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा इसे को वर्ड को समझने से पहले मैं ये समझना होगा कि एक्टिव और पैसिव क्या चीज होती है। एक्टिव वो चीज जिसके लिए आप एनर्जी यूज कर रहे हो और फिर वहां से कुछ आउटकम आता है। पैसिव इम्यूनिटी की आपको कुछ मिला हुआ हो, पहले से बना बनाई कोई चीज आपको मिल जाए, उसको बोलेंगे हम पैसिव। ऐसे होता ना, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम, इससे आप अच्छा से समझ सकते हो। मतलब आपकी जॉब लगती है, ओके, आप जाते हो, चेक करते हो, काम करते हो, फिर आपको जो वो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, ओके, तो वो हो गई आपकी एक्टिव इनकम। मतलब आपको जाके काम करना पड़ता है, सब कुछ इनकम। सेकंड क्या होता है? पैसिव इनकम। मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब आपको सिर्फ देखभाल करनी है, आपको डेली जाके वहाँ पे डेली काम नहीं करना है, आप वीक में, दो वीक में, तीन वीक में एक बार देखते हो और आपका डेली काम चलता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, वो पैसिव इनकम। यानी एक्टिव और पैसिव में आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पर इम्यूनिटी क्या है? वो इम्यूनिटी जहाँ पर खुद आप अपने आप बनाओगे उसको क्या बोल देंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। अगर आपको कुछ बना बनाए ऑटोमेटिकली मिल जाए, आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया? तो ये चीज है। अब हर एक लाइन ध्यान से समझना। अभी दिखाएंगे नीट 2020 का जो फेज वन में जो क्वेश्चन पेपर आया था, 13 सितंबर को जो क्वेश्चन आया था, वहां पे कैसे ऑप्शन के अंदर एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ऐसे करके डाली गई है। अब सारी कॉपी पेस्ट करके देंगे तो नहीं होगा ना, एक दो ऑप्शन जो गलत करनी है वो तो चेंज करना पड़ेगा, बट देखना कैसे कॉपी पेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन। बोर्ड के जो बच्चे हैं वहां पर क्या आ सकता है आपका? एक्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी या फिर इनके अंदर डिफरेंस वगैरह आ सकता है, तो वो डेफिनेशन एनसीईआरटी की लिखी हुई देखिए। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कोई भी एंटीजन अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है, यानी कोई पैथोजन, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव स्टेट में हो, ओके, चाहे तो वो एक्टिव हो मतलब आपको डिजीज कोज कर सकता है, वो पैसिव स्टेट में भी हो मतलब आपको डिजीज कोज नहीं कर सकता बट फिर भी आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, और या फिर कोई अदर प्रोटीन जो हार्मफुल वगैरह से हो सकती है तो वो भी एंटर कर चुकी है, तो उस टाइम क्या होगा? आपकी जो शरीर है, आपका जो पूरी बॉडी है, वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेगी। जब हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा था कि कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते, तो उसी तरह एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेगी आप ही के अंदर। तो इस टाइप की अगर इम्यूनिटी, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। यानी वो इम्यूनिटी जो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो आ जाएगी सिंपल सी एक्टिव इम्यूनिटी। अब इंपॉर्टेंट लाइन देखना, ये एनसीईआरटी से ही है और क्वेश्चन भी आया है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अब क्योंकि आप खुद जो है वो इम्यूनिटी को बना रहे हो, खुद इम्यूनिटी को जो वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप इतने जल्दी तो नहीं हो सकते। जैसे आप कोई चैप्टर याद करते हो, याद अगर आप खुद याद कर रहे हो टाइम लगता है, हाँ या ना, सिंपल कोई काम करते हो उसमें टाइम लगता है, तो इसी तरह अगर आप खुद बॉडी एंटीबॉडीज बना रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यानी ये थोड़ी सी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, टाइम लेता है, तब जाकर इसका फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो आता है। जैसे आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ऐसा नहीं है मैं उठा के एग्जाम देने चले गए, उससे पहले प्रिपरेशन करते हो, टाइम लगता है, फिर जाके आप अगर फुल इफेक्टिवनेस आती है, जितना अच्छा आपने टाइम दिया है, जितना अच्छे आपने तैयारी की है, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। तो उसी तरह ही है, यहाँ पर इम्यूनिटी अगर आप खुद बना रहे हो तो धीरे धीरे स्लो स्लो होगा और फिर टाइम लगेगा और फिर जाकर फुल इफेक्टिवनेस रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। किसमें? एक्टिव इम्यूनिटी में। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलाइब्रेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एसेस इन टू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या गया है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलाइब्रेटली, मतलब जान बूझ कर जो है वो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डाले जाए,
कब, जब आपको इम्यूनाइजेशन करना है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जैसे वैक्सीन वगैरह होता है ना, जब हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे तब। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी बॉडी में जानबूझकर एडवर्स कंडीशन में माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, तो वो इफेक्ट तो नहीं कर सकते, आपको डिजीज नहीं कर सकते, बट उनको डाल दिया जाता है, ओके। या फिर कोई अदर इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ जाता है, ओके, नेचुरल तरीके से, और वो आपको इन्फेक्शन वगैरह भी कर सकता है, डिजीज कर सकता है, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है वो कौन सी बनेगी, एक्टिव इम्यूनिटी बनेगी। चलो, अब आपने सोच लिया कि ये चलो बॉडी कर लेगी, हमें इतना ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, हमें तो बड़ी बनाई एंटीबॉडीज कुछ मिल जाए तो कुछ काम हो सकता है क्या, तो उसके लिए भी जवाब आपके सामने है, वो होता है पैसिव इम्यूनिटी, यानी आपको यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको बना बनाया चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। पर याद रखना, नीट अगर आपको क्लियर करना है, वहाँ पर कुछ भी बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको एक्टिवली पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन एंटीजन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। यानी आपको रेडीमेड बना बनाया एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में मिल रही है, उसको सिंपल क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो व्हाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। यानी ऐसा बोला जाता है ना, आप तो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो कि स्टार्टिंग के 6 मंथ के अंदर आपको केवल बेबी को केवल और केवल मदर का मिल्क जो वो फीड करवाना चाहिए, वाटर भी नहीं देना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट होता है तो ये एनटीए वालों के लिए भी तो इतना ही इम्पोर्टेंट होगा ना, और इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने लिया है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार इस लाइन से क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ओके। चलिए, इंपॉर्टेंट लिया है और क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा हो। चलो रिदम बने, द येलोविश फ्लूड कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एब्यूडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे इनिशियल डेज के अंदर मदर बोला जाता है ना, स्टार्टिंग के 6 महीने में केवल और केवल मां का दूध, तो वहां पर क्यों, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है जो फीड करवाया जाता है वो येलोविश जो फ्लूड होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। एक तो ये याद रखना, कोलोस्ट्रम किसको बोलते हैं, जो इनिशियल डेज में मदर जो लैक्टेशन करवाती है जो वो मिल्क आता है उसी को बोला जाता है कोलोस्ट्रम, ओके। अब उस कोलोस्ट्रम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज मिल रही है। अब आप तो खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको आपकी मदर से डायरेक्टली एंटीबॉडीज मिल रही है, हाँ ये ना, तो आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। आप जब माता जी से आप दूध पी रहे थे स्टार्टिंग में, आपको याद भी नहीं होगा, आप 2-4 दिन के होंगे, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपकी माँ ने जो है वो आपको एंटीबॉडीज दे दी, इतना ज़्यादा उपकार है आपकी आपका माँ पर, मतलब आपकी माँ का आपके ऊपर, ओके। वहां पर ये याद रखना कौन सी एंटीबॉडीज IgA, और ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये 4 टाइप्स की होती है, GAME, गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, GAME, ओके। और यहां पर जो मदर देती है वो A वाली देती है, ओके, तो ये भी आप याद रखना। IG की फुल फॉर्म बता चुका हूं, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जिसे हम बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के अंदर पढ़ते हैं कि प्लाज्मा में 3 टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन कोएगुलेशन में मदद करती है, आपकी एल्ब्यूमिन जो होती है वो ऑस्मोटिक में मदद करती है, ग्लोबुलिन जो होती है वो डिफेंस में मदद करती है, तो ये सब कुछ आप वहाँ पर भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे IG जो है वो इम्यूनो ग्लोबुलिन है, इम्यूनो यानी इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन यानी जो डिफेंस में मदद करे वो प्रोटीन, ओके, तो ये IgA वाली है, ओके, तो ये याद रखना। इसके अलावा जब प्लासेंटा के, जब फीटस डेवलप हो रहा था मदर की बॉडी के अंदर, फीटस डेवलप हो रहा था प्लासेंटा के अंदर, तो वहाँ पे प्लासेंटा के द्वारा भी कुछ एंटीबॉडीज यहाँ पर दी जाती है, ओके, उनका नाम नहीं दिया तो हम भी नहीं, क्योंकि आया भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज भी, ये किसका एग्जांपल है, पैसिव इम्यूनिटी, यानी यहाँ पे फीटस को कोई भी जो ऐसा वैसा काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट बनी बनाई मिल रही है, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां से भर भर के जो क्वेश्चन आए वो डिस्कस कर रहे थे, नीट 2015, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन, लिख दिया है, याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, IgD, IgM, IgA, IgG, और मैंने ये आपको उसमें भी बताया था कि D टाइप का भी होता है, DAMAGE, गेम ऐसा बिगाड़ देगा, डैमेज कर देगा, कैसे भी याद रख लेना, बट हमने अभी अभी पढ़ा है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ए मा, तो ए मा से कौन सी मिलेगी, ए मिलेगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस, फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा,
सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोसाइट, सीरम ग्लोबुलिन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर भी डिस्कस करवा सकते हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। आप कहीं बोलेंगे ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, अभी अभी मैंने ये बताई भी थी, और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। उस चैप्टर में प्लाज्मा 55% होता है, वहाँ पे बोला जाता है कि उसके अंदर थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, कौन कौन सी, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। मैंने बताया था फाइब्रिनोजन किस में काम करती है, कोएगुलेशन में। और ये कह रहे हैं कि अगर एंटीबॉडीज काफ़ी कम हो गई है तो किस चीज़ को हम देखेंगे, किस चीज़ का टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ एंटीबॉडीज कम हो रही है। तो फाइब्रिनोजन तो कोएगुलेशन में मदद करती है, कोई रोल ही नहीं है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक में मदद करती है कि बॉडी के अंदर वाटर वगैरह की ऑस्मोटिक कंडीशन सही होनी चाहिए, कोई मदद ही नहीं है एल्ब्यूमिन। अब उसके बाद आता है हीमोसाइट। हीमोसाइट जैसे आपकी जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट आता है सीरम ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन डिफेंस में मदद करती है, तो आंसर आ जाएगा सीरम ग्लोबुलिन। अब सिंपल सा इसको समझ लीजिए, कैसे ऑप्शन को घुमाया गया है, कैसे आपका दिमाग घुमाया गया है, ओके। और फिर बता रहा हूँ, जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको फिर से यही क्वेश्चन कराते हुए मिल जाऊँगा कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। इसको हमने यहाँ पर इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे ये डेफिशिएंसी वगैरह एंटीबॉडीज आ जाती है, आप सोचते हो ये क्या क्या आ गया, तो इसलिए यहाँ पर भी करवा दिया है। और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अगर आप थोड़ी बहुत एनसीईआरटी अपने आप से पढ़ते हो तो चैप्टर पढ़ लेना, जैसे चैप्टर स्टार्ट करोगे लास्ट ही लास्ट लाइन वाले से स्टार्ट करना और नेक्स्ट पेज का बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन होने वाला हमारा नीट 2019 क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। कोलोस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर इंपार्ट न्यू बॉर्न इनफैक्ट बिकॉज इट कंटेन मोनोसाइट, मैक्रोफेज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, नेचुरल किलर सेल। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजी की फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन, नी 2015 में दिया भी था उन्होंने इम्यूनोग्लोबिन और यहाँ पर पूछ भी लिया है ए, ए मा, ए मा से मिलेगी ए, ओके। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नी 2020। नी 2020 जो हमारा फेज वन हो चाहे फेज टू हो, दोनों बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले हम फेज वन का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, रोंग स्टेटमेंट बतानी है यानी जो गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट कुछ क्या है क्या नहीं है अभी देख लेते हैं। एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट करके डाले हुए, देख लीजिए। When exposed to antigen, living or dead antibodies are produced in the host body, it is called active immunity. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Active immunity is quick and give full response. Fetus receive antibodies from mother, it is an example of passive immunity. तो एनसीईआरटी की इसी पैराग्राफ की लाइनें कॉपी पेस्ट कर दी गई है। एक्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, पैसिव की भी बिल्कुल सही है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, इतना क्विक होता है तो हम नीट में बहुत पहले सिलेक्शन लेके एमबीबीएस कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता ना, सिंपल सा समझो ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक नहीं होती है, स्लो होती है, टाइम लेती है फिर फुल रिस्पॉन्स देती है। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऐसा नहीं होता है, क्विक नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नी 2020 फेज टू का है, वापस कोलोस्ट्रम पूछा है, बहुत ही इनको अच्छा लगता है। तो येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एबंडेंट एंटीबॉडीज आईजीए टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट दैट्स पार्ट ऑफ यूनिट। हो, फिर से एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट। ऑप्शन दिए गए एक्टिव, एक्वायर्ड, ऑटो या फिर पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव ने हमने पढ़ा नहीं, एक्वायर में भी नहीं पढ़ा, ऑटो आगे पढ़ेंगे उसमें आया नहीं है, पैसिव के अंदर यही आया है, तो आंसर आ जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। तो 15 में हो चाहे 19 में हो चाहे 20 में हो, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आ रहा है एनसीईआरटी से, बहुत ही ध्यान से करने वाली चीजें हैं, ओके। अब हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन वही होता है जहां पर हम इनएक्टिवेटेड जानबूझकर जो है वो आपको देते हैं, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बन रही है तो जानबूझ के आपको कोविड दिया जाएगा, और वो किस फॉर्म में होगा, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, तो आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी, सिंपल है, उसको बोलते हैं क्या, वैक्सीनेशन। अब यहां पर भी देखिए इम्यूनाइजेशन क्या होता है वो भी हम अभी देखेंगे, यानी आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम इन वैक्सीनेशन। यानी आपको ये याद रखना है, चाहे आपकी वैक्सीनेशन हो चाहे इम्यूनाइजेशन, चाहे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना हो चाहे वैक्सीन लगाना हो, दोनों आपकी बेस्ड होती है मेमोरी पर। यानी जो याद रख रहा था बी लिम्फोसाइट, अरे ये आ गया, इसको देख लें, ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे फाइल निपटा देंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो सिंपल सा ये समझ लीजिए कि अगर उसकी मेमोरी अच्छी है, मतलब एक बार उसने देख लिया अब वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, तो वैक्सीनेशन एक बार, ओके। अब उसने याद रख लिया है बट वो हर महीने भूल जाता है, वो दो महीने बाद आता है, मान लो वो आया, एक चोर आया, चोरी करके चला गया, गेटकीपर था रखवाला, वो समझ गया अगली बार आएगा तो मैं जो है वो याद रखूंगा, इसको वहीं पकड़ लूंगा।
लेकिन वो 2 महीने बाद आया, पर गेटकीपर की मेमोरी कितनी? 1 महीने। तो वो इसको याद रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि मेमोरी कितनी? 1 महीने। तो मेमोरी पे ज्यादा बेस्ड होती है आपकी इम्यूनिटी, ये याद रखना। ओके, अब वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझना, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बताएंगे। इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन दैट इज वैक्सीन। तो यहां पर जो वैक्सीन होती है उसमें इनएक्टिवेटेड होता है, जैसे जो वायरस अगर मतलब डिजीज करा है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में लाओ कि वो एक्टिव हो भी ना पाए, मतलब उसकी छोटी मोटी प्रोटीन निकाल के डाल दो, मतलब आपको डिजीज इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होगी, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आएगा बट आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी, ये सिंपल होता है। तो इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड जो पैथोजन होता है जो कुछ नहीं कर पाएगा, बॉडी के अंदर आ गया, आजा भैया आजा, पैथोजन आ गया, आजा आजा आजा, बट वो इनएक्टिवेटेड है, तभी बोल रहे हो आजा आजा। अगर वो एक्टिवेटेड होता तो दूर से बोलते ना 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 बीमार हो जाऊंगा मैं, बट आपको लग रहा है कि वो बॉडी में आ गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, आजा आजा। वो आ भी गया तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई पर वो डिजीज नहीं कर पाया, तो उसको बोलेंगे इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन। वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एंटीजन्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अब यहां पर होगा क्या, जैसे ही वो आएगा तो वहां पर आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, ओके सही है, बट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने से अब क्या होगा, जो पैथोजन है वैसे भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे वो पैथोजन भी, धीरे धीरे उसको भी डेड कर देंगे, जितना वो कुछ था प्रोटीन वगैरह वो भी डेड, खत्म करनी उसकी, ओके। और आपकी जो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब ये वैक्सीनेशन आप देखते हो कि कई बार होता है कि हमें केवल एक बार करवानी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि 1 ईयर के बाद बार बार जो है उसका वैक्सीनेशन वगैरह करवाना पड़ता है, तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है, सिंपल सा समझिए। एक बार करवा रहे हो मतलब वहां पे ऐसी मेमोरी बन रही है कि एक बार याद रख लिया, जिंदगी जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो उसको याद रखेगा, ये गलत आदमी है, इसके पास कभी भटकने नहीं दूंगा मैं पास में, मतलब पैथोजन की बात कर रहा हूँ कि मतलब ये डिजीज कर सकता है। अगर वहां पर उसकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प नहीं है, जो एंटीबॉडीज बन रही है, जो पूरी आर्मी बन रही है उसकी मेमोरी बहुत ही वीक है, ओके। मेमोरी वीक का मतलब है कि वो 1 साल याद रख रहा है, मतलब मैं एक बार आया वो, ओके, उसने 1 साल याद रख सकता है, 1 साल में वो कभी आएगा तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, बट 1 साल के बाद भूल गया कि ये कौन है, वो भूला हो गया तो उसको भूल गया कि कौन है, तो फिर वो 1 साल बाद आएगा तो वो डिजीज कर जाएगा, क्योंकि वो भूल गया कि ये क्या है, चलो आने दो, फिर वो वापस से डिजीज कर जाएगा। तो वैक्सीनेशन का कुछ ऐसा रोल होता है, अगर लाइफ टाइम है तो एक बार देनी पड़ती है, अगर वो जितना टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से वैक्सीनेशन दी जाती है। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एन टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू ओवरवेलम द इनवेडर विद ए मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहां पर सिंपल सा देखिए, द वैक्सीन क्या जनरेट करती है, मेमोरी बी और टी सेल। तो जो आपकी मेमोरी वाले सेल्स होते हैं बी और टी लिम्फोसाइट वाले, जो याद रखती हैं, जो उनकी मेमोरी होती है, उस बेस पे वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज बना लेते हैं। अभी हमने देखा था, मान लीजिए सिंपल सा समझा रहा हूँ, देखो समझो, एक्टिवेटेड अगर पैथोजन आया तो वो तो हमें डिजीज कॉज करेगा, हमें पता है इस डिजीज से हमारी मौत हो सकती है, तो हम बनाएंगे उसकी वैक्सीन। वैक्सीन में क्या करेंगे, जो पैथोजन आता है जो हमें डिजीज कर सकता है उस पैथोजन को पकड़ेंगे, पकड़ के उसको एडवर्स कंडीशन, मतलब जहां पर वो अच्छी कंडीशन नहीं है बट उसको फिर भी ग्रो करवाएंगे, वो हो गई उसकी एडवर्स कंडीशन। अब क्या होगा एडवर्स कंडीशन में, वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, वो एंट्री तो करेगा बट उसके कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो ऐसे चलते हैं। इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन, ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। अब सिंपल सा समझिए, यहां पर जैसे वो चीजें जिसमें हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड पैथोजन या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रोटीन वगैरह डालकर हमारी बॉडी के अंदर हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं, वो आता है वैक्सीनेशन के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर, या आप बोल दीजिए वैक्सीनेशन या बोल लीजिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगर यहां पर मतलब ऐसे कोई स्नेक, जहर स्नेक बाइट कर गया है, ओके, मतलब उसका जहर बहुत जल्दी से शरीर के अंदर जा रहा है, तो अभी आपकी डेथ तो हो जाने वाली है ना, मतलब बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है, उस टाइम पे हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा करते हैं वैक्सीनेशन दे देते हैं, जहर से आराम से एंटीबॉडीज बनेगी, आराम आराम से टाइम लेगा, तब तक तो भाई साहब की फाइल निपट चुकी है। उस टाइम क्या चाहिए हमें, क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी वो जो भी जहर आ रहा है उसकी जो भी एंटीबॉडीज बनी हुई है वो जल्दी से दें ताकि उस जहर को न्यूट्रलाइज कर पाए और हमारी जान बच पाए। तो यहाँ पर वो टाइम नहीं है हमारे पास कि उसको वैक्सीनेशन दे और हाँ जी ये डिजीज आपको कभी ऐसा हो सकता है, कोई सांप सूप काटे कोई बात नहीं है,
तो उस टाइम क्या हो सकता है, आपको जल्दी से एंटीबॉडी चाहिए। ऐसा ही केस होता है टेटनेस के अंदर। टेटनेस बैक्टीरिया से होती है, बट वहां पर अगर वो हो गई तो वहां पे वो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए हमें। अगर वहां पे कुछ भी ऐसा टेटनेस का आ रहा है तो हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब ऐसा टाइम नहीं है अभी कि टेटनेस हो गई है तो चलो आराम से वैक्सीनेशन वगैरह करवाते, नहीं, वहां पे हमें पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी चाहिए, जल्दी से रिस्पॉन्स चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो वहाँ पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है वो बॉडी के अंदर डाली जाती है, या फिर एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन यानी जैसे कोई जहरीली चीज़ है उसका एंटीटॉक्सिन ऐसे डाला जाता है। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, जैसे सांप काट लेता है अगर जहरीला, ओके, मतलब ज़्यादातर जहरीले हैं नहीं, 60-70% तो ऐसे हैं जो जहरीले भी नहीं है, बट मान लीजिए कोई जहरीला काट, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेंट्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, समझा गया? तो चाहे वो टेटनेस हो चाहे वो स्नेक बाइट हो, इस टाइम पे जो दिया जाता है वो क्या होता है आपका, पहले से बनी बनाई क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, मतलब पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करें, अब रिकॉम्बिनेशन डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर आता है वहां पर अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे वैक्सीन वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, क्या कुछ होता है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो है वो अलग अलग एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया या फिर ईस्ट वगैरह के जो पैथोजेंस होते हैं उनके द्वारा हम यहाँ पर ये सिंपल बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह उससे प्रोड्यूस कर सकें। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे क्या है कि इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पर ग्रेटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हमें हर एक को आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि यहाँ पर वो वैक्सीन चाहिए बट वो अवेलेबल नहीं है, वो बन रही है, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बन रही है। ओके, तो वहाँ पे ग्रेटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति को जो वो वैक्सीन लग पाए। और हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है वो किससे बनती है, ईस्ट से बनती है, किससे बनती है, ईस्ट से बनाई जाती है। ओके, जो वायरस से रिलेटेड वैक्सीन वगैरह होती है उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनने में। चलिए नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड दो चार जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो डिस्कस करते हैं। नीट 2016 ईयर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेड टू द बॉडी कंटेन हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, गेमा ग्लोबुलिन, एटीन्यूएटेड पैथोजन या फिर एक्टिवेटेड पैथोजन। तो जो भी आप नीट का एग्जाम देते हो आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर फोर ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये नहीं होने वाले, पर दो हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है। क्वेश्चन है कि एंटी वेनम इंजेक्शन, ओके, एंटी वेनम इंजेक्शन के अंदर तो हम एंटीबॉडीज देते हैं बट जो पोलियो ड्रॉप आपको दी जाती है उसके अंदर क्या होता है, पोलियो ड्रॉप एक तरह से वैक्सीनेशन होती है, आप ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लिखा भी है पोलियो वैक्सीनेशन, एक तरह से वैक्सीनेशन होती है, तो वहां पर तो हम देंगे इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड, बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है भाई, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो एक्टिवेटेड लिखा हुआ, तो एक्टिवेटेड तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं देते हम वैक्सीनेशन के अंदर, गेमा ग्लोबिन नहीं अभी वो नहीं दे रहे हम, उसके बाद एटीन्यूएटेड पैथोजन, एटीन्यूएटेड पैथोजन, उसके बाद एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड बिल्कुल नहीं देंगे। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है जहां पर हम एडवर्स कंडीशन में जो है उस पैथोजन को ग्रो करते हैं और वो पैथोजन जो होता है वो एंटर कर सकता है बट अपना फुल रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकता, मतलब वो डिजीज कोज नहीं कर सकता, यानी आप ये कह सकते हो इनएक्टिवेटेड पैथोजन, उसको चेंज किया गया है सिर्फ एटीन्यूएटेड वर्ड के साथ। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ चुका है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इतना ही क्वेश्चन था, अब यहाँ पे ये भी कह देंगे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, चलो सही है, समझ में आनी चाहिए एनसीईआरटी अच्छे से लाइन से तो आपको आंसर आ जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले एलर्जी के बारे में, बहुत ही आसान सा है, मतलब आप कुछ ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आपको एकदम से सिम्टम शो होते हैं तो उसको बोलते हैं एलर्जी, और वहां पर भी एक एंटीबॉडीज हम पढ़ेंगे आईजीई, एलर्जी एलर्जी उसे याद रहेगा, जैसे ए माँ से ए मिलती है यहाँ पे एलर्जी। चलो, when you have gone to a new place and suddenly you start sneezing wheezing for no apparent reason and when you went away your symptom disappeared, did this happen to you? Some of you are sensitive to some of the particle in the environment, the above mentioned reaction could be because of allergy of pollen and mites etc, this would differ in different places. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन हो सकते हैं उनसे आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है। ओके,
यानी अलग अलग पोलन के अंदर अलग अलग कुछ एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से भी आपको पोलन हो सकता है। मतलब ठीक है, मतलब एक प्लांट जो आपके एरिया में नहीं मिलता हो सकता वो दूसरे एरिया में मिलते हो, वहाँ पे उसके पोलन ग्रेन तो होंगे, आप वहाँ पर जाओगे आपके वो पोलन ग्रेन नोज वगैरह में या फिर ऐसे एंटर करेंगे बॉडी में, तो आपको एकदम से रिएक्शन होगी क्योंकि आप उसके लिए सेंसिटिव हो, तो आपको क्या हो जाएगी, छी छी यानी स्नीजिंग वगैरह हो जाएगी, वीजिंग वगैरह हो जाएगी, नाक बहने लगेगा, छींकाने लगेगी, और आपके पास कोई रीज़न भी नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ। तो फिर आपका दोस्त आपको बोलेगा कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब, हम यहाँ से चलते हैं, आपको एलर्जी हो गई है। सिंपल सा है, यही बात है, उसी को बोलते हैं हम एलर्जी। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ, देखिए, द एक्साइटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। यानी जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो एक ही दम एंटीजन के सामने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब आपकी तरफ जो है वो कुछ ऐसे एंटीजन आए। एंटीजन क्या होते हैं, जो भी बॉडी से रिलेटेड नहीं है वहाँ पर रिस्पॉन्स आता है कि ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये हमसे मिलता जुलता नहीं है। तो सिंपल सा एक रिस्पॉन्स आता है कि भैया इसको बाहर निकालना है शरीर से, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है एंटीजन रिस्पॉन्स। तो वो जैसे ही सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है, आप ऐसी वैसी जगह पर जाते हो तो उसको बोलते हो एलर्जी। मतलब वो नाक बहने लगेगी, आंखों में पानी आने लगेगा, छींक आने लगेगी, कि कैसे भी करके हम इसको अपने शरीर से बाहर निकालें, तो वही इसीलिए सब चीज़ें होने लगती है। The substance to which such an immune response is produced are called allergy। और इस टाइम पे जो भी आपका immune response जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी substance प्रोड्यूस होते हैं उसी को बोलते हैं allergy। Allergens, उनको क्या बोलते हैं, allergen, जो allergy से related प्रोड्यूस होते हैं substance ताकि allergy को रोक पाए उनको बोलेंगे allergen। Allergy अलग है, allergen अलग है। Allergen वो substance होते हैं और allergy जो होती है वो response होता है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर IgE, एलर्जी ई, हाँ या ना, इसीलिए। तो यहाँ पर जो आपकी एंटीबॉडीज बनेगी वो IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन ई बनेगा, किसमें, एलर्जी में। ओके, कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंजर एक्सेट्रा। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वॉटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। यानी मेनली पोलन ग्रेन वगैरह आपके एयर के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पर जितना जल्दी होने लगेगा, पानी बहाओ भैया, नाक से पानी बहाओ, छींक लाओ भैया, कैसे वो बाहर आ पाए। ओके, तो ऐसे कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वाटर आइज, मतलब वाटर आइज आने, आंखों में से भी पानी आने लगेगा, तब इतना जब पानी पानी हो रहा है तो यहाँ से भी पानी निकाल देते हैं आंखों में से भी, तो अपने को क्या है, एलर्जी वाले टाइम में एक ही बोलता है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना, तो चाहे वो नाक से निकले चाहे आँख से निकले, अपने को सिर्फ पानी निकालने से मतलब है। तो वो करती है भैया एलर्जन, ये काम करता है जब आपका रिस्पॉन्स आएगा तो। ओके, चलिए, एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एलर्जी के टाइम पे एंटी हिस्टामाइन लेते हैं, ऐसा कुछ हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर भी पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत रिलेट करता है ना ये चैप्टर। चलिए, तो यहाँ पर जब एलर्जी जब आ जाती है तो वहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल कहाँ पर होते हैं, हमने ये पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर डायग्राम के अंदर हमने मास सेल देखे थे, अगर आपको याद है तो। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक तो कीजिए, कितने सारे चैप्टर हो चुके हैं। ओके, तो वहाँ पर हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, जो हमारी टिश्यू के अंदर जो मास सेल होते हैं वहाँ से। कौन से केमिकल होते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, किस टाइम रिलीज होते हैं, जब एलर्जी होती है। फॉर डिटरमाइन द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू द इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन स्टडीड। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है या नहीं है उसकी स्टडी कैसे की जाती है, आपको वो एलर्जन देकर, मतलब इससे एलर्जी हो सकती है, इससे एलर्जी हो सकती है, इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, तो वो सारे सब्सटेंस आपकी बॉडी लेती है, अगर वो रिस्पॉन्स देती है तो मतलब आपको उससे एलर्जी होती है, डॉक्टर ऐसे स्टडी करती है। बहुत लोगों को तो मेडिसिन से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे पैरासीटामोल, जिसे आज के टाइम पे संजीवनी बूटी बोले जाते हैं, कि दर्द होता था पैरासीटामोल लो, बुखार होता है पैरासीटामोल ले लो, ये लो ले लो पैरासीटामोल ले लो, तो वो संजीवनी बूटी की तरह होता ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर उससे भी लोगों को जो है वो क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, यानी वो सिम्टम्स किसी से भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन से आपको हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपल से इन्होंने बता दिया, द यूज ऑफ द ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन, एड्रीनलिन एंड स्टीरोइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द एलर्जी। यानी हिस्टोनिन और सेरोटोनिन जो केमिकल रिलीज होते हैं एलर्जी के टाइम पे, तो हिस्टामाइन का ऑपोजिट क्या देंगे, एंटी हिस्टामाइन, एड्रीनलिन दे देंगे, स्टीरोइड दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एलर्जी ठीक ही हो जाएगी, ये नहीं होता। ओके, Somehow, modern day lifestyle resulting in the lowering of the immunity has more sensitivity to allergen. More and more children in metro cities of India suffer from the allergies and asthma due to the sensitivity.
अब मुझे आप ये बताइए कि अभी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दें, मतलब फ्लैट से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, मतलब यहीं पे रहो यहीं पे रहो यहीं पे रहो, तो उससे क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट में जाएगा नहीं, ज़्यादा एनवायरनमेंट में जाएगा नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से लड़ेगा भिड़ेगा नहीं एनवायरनमेंट में, लड़ेगा भिड़ेगा नहीं तो उसकी इम्यूनिटी कहाँ से बनेगी? तो सिंपल है, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो जाइए बाहर लड़िए भिड़िए, ऐसा नहीं कि किसी से दोस्त से लड़ना भिड़ना ऐसे नहीं होता है, सिंपल सा है कि मतलब एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है जिससे आपकी इम्यूनिटी बनती है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड इन द लाइफ, बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो चुका है, सिंपल सा, उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलेंगे। मामला गड़बड़ क्या हो चुका है? जो आपके बी ओ टी लिम्फोसाइट वगैरह जो भी हैं, जो पहचानते हैं कि कौन अपना और कौन पराया, वो अब भेदभाव करना छोड़ चुके हैं। उनको लग रहा है सब पराए, वो मोह माया से दूर जा चुके हैं। उनको लगता है ये शरीर में है, ये भी पराया, जो बाहर से आ रहा है वो भी पराया, इसको भी मारो उसको भी मारो। जब ऐसा हो गया है तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई है, यानी सिंपल सा, जब वो अपने आप में पता ही नहीं लगा पा रहा है कौन अपना और कौन पराया, वो मोह माया त्याग चुका है तो ऑटो इम्यूनिटी हो चुकी है। देखिए, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरिजन ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल्स। मेमोरी बेस्ड जो भी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जहाँ पे बी ओ टी सेल्स होते हैं, जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेल मेडिटी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहचान लेते हैं कि कौन अपना और कौन पराया। हमने बात की थी इननेट और एक्वायर्ड। इननेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको एक जैसा काम करने देता है। एक्वायर्ड भेदभाव करता है, खुद में देखता है ये हमारा है, वो दूसरे का है, वो हमें डिजीज कर सकता है, उसको मारो। बट अब क्या हो चुका है, यहाँ पर जो मेमोरी बेस्ड थी, जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम था, भूल चुका है वो मोह माया से पार है। अब वो कह रहा है सब पराए, मारो सबको। व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला इसका रीजन क्या है कि ये भूल जा रहा है, ये भूला क्यों हो रहा है। टू कोरोलीज ओके ऑफ दिस एबिलिटी टू हैव टू अंडरस्टैंड वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरिजन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरिजन ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इम्यूनोलॉजी डील्स विद द एस्पेक्ट टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेंसर। अब कोरोलरीज दिए, कोरोलरीज का मतलब है कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता होगा जिसकी वजह से ये होता है। पहला क्या बोला इन्होंने, पहला ये बोला है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे जो मेमल्स वगैरह में आते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना और दूसरे में जो वो मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये फॉरिजन का मॉलिक्यूल है। बट कई बार क्या होता है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। बाद में ये पता चला कि यहाँ पर जो है मोस्ट इम्यून, ये पता लगाया कि ऐसा होता है कि वो बाद में भूल जाती है, उनको नहीं पता चलता। दूसरा ये बोल सकते हैं कि जो आपकी ऑटो इम्यूनिटी होती है वो जेनेटिक की वजह से भी होती है। जेनेटिक मतलब कुछ ऐसे जीन्स के अंदर चेंज आ गए, मतलब वो तो सही थे, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट बिल्कुल सही थे, बट आपका जीन चेंज हो गया है, मतलब कुछ ऐसी वजह से जीन चेंज हो गया, तो उनको लगता है पहले तो ये वाला जीन था, अब ये वाला जीन हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तो अलग हो गया, इसको मारो। तो ये दो चीज़ें, समझ में आ गया। पहली चीज़ क्या है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो बी टी लिम्फोसाइट, उनको नहीं पता है कि ये अपना वो भूल गए हैं, उनको नहीं पता, वो सबको मार रहे हैं। पहला रीज़न ये दिया। सेकेंड रीज़न ये दिया कि वो नहीं भूले हैं, बी और टी लिम्फोसाइट बिल्कुल सही हैं। हुआ क्या है, वो सेल को देखते हैं, हाँ तू सही है तू चल, हाँ तू सही है तू चल, हाँ तू सही है तू चल, बट वो क्या हो रहा है, अब एक सेल जो हो रहा है उसमें किसी रीजन से जेनेटिक चेंज आ चुका है, जैसे म्यूटेशन वगैरह होता है ना, आप मूवीज वगैरह देखते हो एक्समैन में, वो म्यूटेंट्स बन चुके हैं, म्यूटेशन कुछ सेल्स के अंदर, कुछ जीन्स के अंदर चेंज आ गया, वो कहता है हाँ चल हाँ चल हाँ चल, उस सेल के अंदर चेंज आ चुका है, बट वो पहचान लेता है ये तू पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये कैसा हो गया, चल चल चल। तो ये चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, पता नहीं है, बस ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोल दिया टू कैलोरीज कन्फर्म नहीं है, डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस, अभी तक बेसिस नहीं पता चला है, बस बोल रहे हैं कि या तो ये हो सकता है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, या ऐसा हो रहा है कि वो सेल का जीन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसको मार रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, दिस रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। अब भैया कुछ हो, चाहे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, चाहे भूला हो और चाहे वो जीन चेंज हुआ हो, वो तो हमारे यहाँ नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब हम ही को हम ही पे सितम ढा रहे हैं। कौन ढा रहे हैं? बी ओ टी लिम्फोसाइट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन अवर सोसाइटीज एंड ऑटो इम्यूनी डिजीज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया भी बोलते होंगे, सिंपल ऐसा ही बोलते होंगे, वो जो होता है जिसको गठिया भाव ऐसे बोलते हैं, पता नहीं, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में कोई भी अलग अलग बीमारी का अलग नाम होता है। तो जो आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का।
अब भैया एनसीईआरटी से बार क्वेश्चन आता है, मान लिया एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस भी करेंगे, बट उससे पहले आप दो एग्जांपल और लिख लीजिए, सोरियोसिस एंड वीटी लोगो, सोरियोसिस एंड वीटी लोगो जो है वो भी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। कौन कौन सी हो गई, तीन हो गई, फर्स्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेकंड सोरियोसिस, थर्ड हो गई आपकी वीटी लोगो। अब यहां से जो आए हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर नीट 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, इन हायर इनवर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू द जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज अटैक द सेल्फ, सो देन इट लीड्स टू ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एक्टिविटी, वो खुद में और दूसरों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो बताइए भैया क्या होगा। आंसर आ जाएगा आपका ऑटो इम्यूनी रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है भैया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2018 का क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी इनमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ऑप्शन दिए गए अल्जाइमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियोसिस और विटिलोगो। रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो हमने पढ़ा था, विटिलोगो सोरियोसिस मैंने आपको बता दिया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है, बट ये डिजीज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम फिर पढ़ेंगे और वहां पर बात करेंगे कि अल्जाइमर क्या होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करने वाले इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, जहां पर हम लिम्फोइड ऑर्गन मेनली देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी चलेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो चुका है और यहां से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, एक क्वेश्चन आया, बट उसमें जो आपकी अल्जाइमर डिजीज है वो बायोटेक्नोलॉजी में दी हुई है, वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज, एज यू हैव रीड। इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज फॉरिजन एंटीजन, रिस्पॉन्ड टू दिस एंड रिमेंबर देम। बोल रहा है कि इम्यून सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है, फर्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन, सेकंड लिम्फोइड टिश्यू, थर्ड लिम्फोइड सेल्स, या फिर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जैसे आपकी एंटीबॉडीज, तो इन सबसे मिलकर आपकी इम्यूनिटी बनती है। ओके, इन सबसे मिलकर आपकी क्या बनती है, इम्यूनिटी बनती है। याद रखना कौन कौन से, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स या फिर सोल्यूबल मॉलिक्यूल यानी एंटीबॉडीज, इन सबसे बनती है आपकी क्या, इम्यूनिटी। अब यह जो इम्यूनिटी होती है उसके पास बहुत अच्छा सेंस होता है, वो पहचान लेता है कि कौन अपना और कौन पराया, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज को छोड़कर। ओके, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से तो इतने सारे क्वेश्चन थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, वो भी हमने किए थे, फिर 13 में था, 15 में था, 17 में था, 19 में था, वो भी डिस्कस किए थे। ओके, एलर्जी वायरस रिएक्शन में AIPMT 2011 वगैरह में क्वेश्चन थे, तो वो डिस्कस नहीं किए बट क्वेश्चन थे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन देखिए मेनली क्या होते हैं, देख लीजिए, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजन एंड और मैच्योरेशन और प्रोलाइफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। यानी लिम्फोसाइट क्या होती है आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है, जहां पे एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है, जिसके अंदर मेनली टू टाइप्स के होते हैं आपके, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो आपके बी लिम्फोसाइट और टू लिम्फोसाइट वगैरह जो होते हैं, जो आपका लिम्फोसाइट होता है, वो जहां पर बनेंगे और मैच्योर होंगे और फिर जाकर वो लड़ेंगे, उनको वहां पे ये ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे आपको अपनी आर्मी बनानी है, कैसे आपको अपने आप को और दूसरे को पहचानना है। मतलब जन्म से लेकर उनको बड़ा करने तक, आर्मी में भेजने तक का जो काम होता है वो कहां पर होता है, लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है, और फिर जाकर उनको कह दिया जाता है अब जा सकते हो आप। सिंपल है, वो ट्रेनिंग जो अभी होगी वो लिम्फोइड ऑर्गन होगा। यहां पर सिंपल सा ऐसे बताने की कोशिश कर, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस। सबसे मोस्ट आपके जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो में तो लगभग जो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन वहीं पर होता है, बनाया वहीं जाता है। थाइमस भी होता है, थाइमस बच्चों में बड़ा होता है, जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है थाइमस का साइज भी डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से इम्यूनिटी भी जो वो वीक होती जाती है। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड, तो यहां पर जो प्राइमरी आपके लिम्फोइड ऑर्गन, याद रखना आपसे ऐसा पूछा जा सकता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं भैया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं। प्राइमरी में दो याद रखो, कौन कौन से, बोन मैरो थाइमस, थाइमस बोन मैरो, बोन मैरो थाइमस, थाइमस बोन मैरो, बोन मैरो थाइमस, थाइमस बोन मैरो, ऐसे करके याद कर लो, हो गया। हाँ, अब यहां पर इनमें क्या होता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, वहां पर उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, वहां पर लिम्फोसाइट बन जाता है, फिर उसको सिखाया जाता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुझे कैसे पहचानना है कि ये अपना और ये पराया। तो ये ट्रेनिंग कहां पे होती है, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन के अंदर। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोइड माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देख लो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्प्लीन, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा स्प्लीन होता क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी,
हम पढ़ते भी हैं, और यहाँ पे ये जो ब्लड होता है उसको साफ करने का काम करता है। बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आंसर आता है स्प्लीन। AIPMT 2012 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट ये भी बता देता हूँ, जो स्टोमक होता है आपका, स्टोमक्स का जो फंडस पार्स होता है, डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, फंडस पाइलोरिक ऐसे करके, तो वहाँ पे जो फंडस रीजन होता है उसी के पास में होता है किडनी शेप्ड होता है स्प्लीन। ओके, इसके अलावा आपके लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, अभी देखेंगे डायग्राम के अंदर लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स वगैरह हो सकते हैं, आप देख रहे हो ना टॉन्सिल्स हो गए, इसको वो डिजीज हो गई कि टॉन्सिल में स्वोलन वगैरह ऐसा कुछ हो गया है, टॉन्सिलिट्स ऐसे करके डिजीज होती है ना, तो टॉन्सिल वगैरह होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे कुछ पैचेज होते हैं जिनको नाम दिया गया है पेयर पैचेज वगैरह, और आपका अपेंडिक्स जिसको आप बोलते हो वेस्टिजियल ऑर्गन, ए वो क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी तो है। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर द इंट्रेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, ये बोलते हैं कि आपका जो एंटीजन आ गया है उससे आप यहाँ पे मिल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होती हैं वो पूरी एक जगह देती हैं कि अगर वहाँ पर कोई भी एंटीजन आ गया है और यहाँ पर आपको एंटीबॉडीज आकर मिलना है, लड़ना है, मारना है, काटना है, तो आपके पास ये खाली मैदान पड़ा है, आ सकते हो। विच देन प्रो लाइफ रेट टू बिकम इफेक्टर सेल, और उसके बाद वहाँ पर उनको इफेक्टिव बना दिया जाता है। किसको इफेक्टिव बना दिया जाता है? लिम्फोइड को, जो लिम्फोइड है उसको पूरी तरह से इफेक्टिव बना दिया जाता है, अब वो कहीं पर भी जाकर लड़ सके। इसलिए द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी शोन इन द फिगर 8.5, देख लीजिए ये डायग्राम दिया गया है, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल्स दी गई है, ये पूरा लिम्फेटिक वेसल चल रही है, और इससे हमने रिलेटेड एलिफेंटियसिस डिजीज भी पढ़ा था कि जो लोअर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वहां पे स्वेलन आ जाती है। ये आपका थाइमस होता है जो हार्ट के पास में होता है, जो आपकी ये जो बोन होती है उसके नीचे होता है और हार्ट के पास में होता है थाइमस ग्लैंड, इससे हम ये भी पढ़ते हैं हार्मोन भी रिलीज होते हैं थायमिन वगैरह, और यहाँ पर ये बीच बीच में थोड़े से नोड वगैरह होते हैं, थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोल दिया जाता है लिम्फ नोड, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उन्हीं के अंदर। ओके, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए, द बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे बोन मेरो थाइमस, थाइमस बोन मेरो, बट उसमें से बोन मेरो सबसे मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो थाइमस या बोन मेरो, अगर आ जाए मेन लिम्फोइड ऑर्गन तो आपका बोन मेरो, इन चीजों को ऐसे याद रखना, मेन सबसे मेन बोन मेरो, प्राइमरी बोन मेरो, थाइमस दोनों। वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, मेन क्यों कहा है, सारा ब्लड वगैरह यही बना देगा, रेड ब्लड सेल्स लो भैया, प्लेटलेट्स लो भैया, ये सब हम यही बना देते हैं, पूरी फैक्ट्री हमने खोल रखी है, इसलिए मेन हमारा सबसे पहले नाम आना चाहिए, तो इसलिए मेन लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। द थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, बताया था ना हार्ट के बिल्कुल पास होता है, जो ये हमारे ब्रेस्ट बोन होती है जिसे रिब्स बोलते हैं, ये जो यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे होता है, कौन आपका थाइमस। द थाइमस इज क्वाइट लार्जर एट द टाइम ऑफ द बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द एज बाय द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी एंड रिड्यूस द वेरी स्मॉल साइज। अब देखो मेन ऑर्गन क्यों बोला गया बोन मेरो को, पहली बात तो बोन मेरो प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा बड़ा था फिर घट गया घट गया घट गया छोटा हो गया। थाइमस क्या है अपनी, ये करता क्या है कि साइज को डिक्रीज कर लेता है, मतलब जो छोटा छोटा बच्चा था उसमें बड़ा बड़ा थाइमस था, बड़ा बड़ा व्यक्ति था उसमें छोटा छोटा थाइमस था, तो ऐसा होता है। तो यहां पर क्या होता है, थाइमस का साइज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिक्रीज होता रहता है। ओके, और यहां पर होता क्या है, ये थाइमस कहते क्या है और ये बोन मेरो क्या कहता है, बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछती है कॉपी पेस्ट, वो ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा देगी, बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बोथ, नन ऑफ द अबव, आप लिखाओगे बोथ, जी नहीं, अगर एनसीईआरटी ने टी लिम्फोसाइट बोला है आपको टी लिम्फोसाइट लगा के आना है, तो यहाँ पे किसका मेच्योरेशन होगा, टी लिम्फोसाइट का होगा। द स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, स्प्लीन मैं बता चुका हूँ लार्ज बीन शेप्ड होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसके फंडस के पास होता है और ब्लड जो होता है उसको मेनली कम, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, यहाँ पर इसके पास क्या होता है, स्प्लीन के पास क्या होता है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और फेगोसाइट होते हैं, फेगोसाइट जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे को। इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड, मैंने बताया था ना एक फिल्टर की तरह काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ब्लड के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो डिजीज वगैरह कर सकते हैं उनको पकड़ लेता है वहीं पर, आगे नहीं जाने देगा। स्प्लीन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, और हमने ये बोला भी था कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है स्प्लेन को, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको आरबीसी वगैरह। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फ नोड जो होते हैं वो लिम्फ वेसल्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर।
द लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स। लिम्फ नोड भी वही काम करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर एंटीजन होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं। विच हैपन टू गेट इन टू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। एंटीजन हैपन इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंटीजन को ट्रैप करना, ओके, उसके बाद लिम्फोइड नोड जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो लिम्फोइड होगा उसको एक्टिवेट कर देंगे और जाएंगे कि चलो यहाँ पर अब लड़ो और यहाँ पर इनको मार दो, इन पैथोजन को, वरना ये डिजीज कर देंगे। तो वो काम कौन करेगा? आपका लिम्फोइड नोड बताएगा सब कुछ। ये इंपॉर्टेंट अभी 2017 में यहीं से क्वेश्चन आया है। एक एक लाइन को बहुत ऐसे समझना। देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यानी वो मेजर ट्रैक्ट क्यों बोला गया है? जहां से एंट्री हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो ये हो गया, रेस्पिरेटरी ये हो गया, और जहां से आपका यूराइन पास होता है वहां से भी तो एंट्री, अगर कोई चीज वहां से बॉडी से बाहर जा सकती है तो वहां से बॉडी के अंदर भी आ सकती है। तो यहां पर क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब देखिए म्यूकोसा लेयर, अगर आपको याद हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम 4 लेयर पढ़ते हैं, सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, तो वहीं पे उसको नाम दे दिया म्यूकोसा। जो लेयर होगी उसके अंदर वहां पर क्या होंगे? आपके लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होंगे, तो उसका नाम हो गया म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है माल्ट, MALT, यानी एम से म्यूकोसा, ए से एसोसिएटेड, एल से लिम्फोइड, टी से टिश्यू। ये जो हमारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ट्रैक जो होते हैं जहां से एंट्री हो सकती है, फूड की हो गई, चाहे रेस्पिरेशन की हो गई, चाहे वो आपकी यूराइन की हो गई, तो वहां पर आपका जो होता है, ये जो होता है म्यूकोसा लिम्फोइड एसोसिएटेड टिश्यू होता है। इट कंटेंट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है, ओके, उसका 50%, उसका आधा तो केवल यहीं पर है जहां से एंट्री हो सकती है, क्योंकि बाकी तो इतना बॉडी में अगर कहीं से एंट्री हो रही है वहीं पे मार दो ना, तो इसीलिए ज्यादा जरूरत कहां पे है? जहां पे एंट्री है, गेट के ऊपर गेटकीपर की जरूरत होती है या बिल्डिंग के अंदर? गेटकीपर की जरूरत गेट के पास में होती है, ताकि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति एंट्री ना करे। तो ऐसा ही है, ज्यादा से ज्यादा अगर सिक्योरिटी रखनी होगी जो लिम्फोइड की है, तो वो कहां पे रखेंगे? जहां से एंट्री हो सकती है। एंट्री कहां से हो सकती है? रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से। तो वहां पर हम 50% जो लिम्फोइड टिश्यू होगा उसको वहीं पर रख देंगे, बाकी पूरी बॉडी के अंदर सेपरेट कर देंगे। तो कितना होगा? 50% होगा। अब नी 2017 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। शॉर्ट फॉर्म याद रखनी होती है माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 50, 20, 70, 10। 50% प्योर एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।